केसरिया छटकारे ले रहे हैं लोग यहाँ। ये आपको हम दिखाते हैं अंदर का व्यू। ये क्या है भोपा भोपी? चलिए इनसे पूछ के आते हैं इसका क्या मतलब रहता है। राम राम सा। ये भोपा भोपी इसका क्या मतलब होता है? ये लोकगीत डांस प्रोग्राम। अच्छा फोक सॉन्ग। ये देखिए यहाँ पे हम खुद ही फुल्की वाले भैया बन गए हैं और यहाँ स्टार्टिंग कर दिया हमने तो खुद से ही। क्या होता है ना फुल्की देखे ना कंट्रोल नहीं होता, हमने भैया का वेट नहीं किया, हम खुद ही शुरू हो गए। ये भी हमारे टिकट में इंक्लूड थी। राम राम साहब फुल्की वाले भैया। राम 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 राम। ये देखिए यहाँ पे खुद ही शुरू हो गए हम लोग तो। कैसा है टेस्ट? हाँ तनिष। अब ये फुल्की वाले भैया आ गए हैं जब से हम उनकी ड्यूटी कर रहे थे। ये थर्ड स्टॉल ले चलते हैं हम आपको। ये आप क्या बना रही हैं? अच्छा अच्छा अरे वाह, ये भी टेस्ट करके देखते हैं चलिए कैसा क्या है। कैसा है टेस्ट बताइए? कैसा है टेस्ट? बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बना रही हैं ये एकदम। ट्रेडिशनल चीज़ों की बात ही अलग होती है। वाह बहुत बढ़िया। कैसा लगा जी आपको टेस्ट? ये देखिए मेरी प्लेट, अब देखते हैं ये कैसी लगेगी एकदम। हाँ हाँ गरम गरम, सर्दियों में गरम बाजरे की रोटी में मज़ा ही कुछ और है। बाजरे की रोटी का स्वाद लेने के बाद बाजरे की यह इनका ट्रेडिशनल प्रोग्राम देख लीजिए। चलिए आप भी इंजॉय करिए। ये वाला पार्क बच्चों के लिए है, बच्चे अपने यहाँ झूले वूले में अपना झूला झूल सकते हैं। ये पूरा पार्क बच्चों के लिए, वाटर पार्क टाइप में भी था तो ये बच्चों के लिए, पर बेचारा अपना बचपन जी ले रहे हैं अभी इसी में। और ये नेक्स्ट था इनका कालबेलिया डांस प्रोग्राम। और ये सर पे इनकी मटकी रखी हुई थी, उसमें आग भी जल रही थी। ये भी बहुत अलग ही इनका ट्रेडिशनल डांस था, बहुत अच्छा था ये भी। और ये था एक्टिविटी एरिया।
यहाँ बच्चों के साथ थोड़ा अपना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ये उसी के लिए था। और ये टिकट में इंक्लूड नहीं था, ये चार्जेबल था। ये सारी एक्टिविटीज़ की हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। ये सब एंजॉय करने के बाद फिर कैमल राइड करी। अब राजस्थान में हो और कैमल राइड ना हो तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा ना, तो इसलिए हमने कैमल राइड भी किया जो कि हमारे टिकट में इंक्लूड नहीं था, ये चार्जेबल था। ये देखिए डिस्को भी है इधर। और ये है सागरी जीवण घर, पधारो सा। राम राम सा, पधारो सा। ये एंट्रेंस है हमारा, खाना खाने वाला स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया है, यहाँ पे भोजन मिलेगा आपको, यहाँ पधारिए। सब एंजॉय करने के बाद और डांस करने के बाद तो फिर थोड़ा भूख लगाई थी हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग जीमण घर आ गए थे भोजन करने के लिए। राम राम सा, राम राम सा। ये है पालक कॉर्न, ये है मसाला पनीर, देखने में तो टेम्पटिंग लग रहा है बढ़िया। ये है कड़ी, ये है दाल, ये क्या है बेसन के गट्टे, और ये दिया है ना साथ पापड़ सलाद, ये चूरमा है, और ये है दाल बाफले जो यहाँ के फेमस है, और ये है क्या रोटी, और ये रसगुल्ला, ये है लहसुन की चटनी। और यहाँ हमारा खाना स्टार्ट हुआ, और खाना सच में बहुत ज़्यादा स्वाद था। राजस्थानी पूरा ट्रेडिशनल खाना था, कड़ी, दाल वाफले, दाल, पालक कॉर्न, सब चीज़ बहुत स्वाद था। खाना खा के तो एकदम मज़ा ही आ गया था। और गुलाब जामुन भी ये लोग वहाँ बहुत ज़िद करते हैं, बहुत गुलाब जामुन खिला देते हैं, और हम लोगों ने एकदम पेट भर के गुलाब जामुन खाए, बहुत अच्छा था। एक ये पार्क भी था उधर जहाँ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा था आई थिंक, यहाँ हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए, काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफी हो सकती है इधर, और इन्जॉय भी बहुत किया था। स्पेस था तो जैसे बच्चे भी साथ में हो तो अपना इन्जॉय कर सकते हैं, हम बच्चों के साथ खेलें अपने आराम से। और साफ़ पार्क था, साफ़ सफाई भी थी और अच्छा पार्क था, यहाँ भी बहुत इन्जॉय किया था। और अब शाम हो गई थी, ये है शाम का व्यू। लाइटिंग होने से बहुत सुंदर लग रहा था, लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, शादी के लिए भी इसको बुक करते हैं। विद फैमिली आइएगा, अच्छा है, पूरा दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, खाना भी अच्छा था, सब अच्छा था। और एंड में मैं यही कहूँगी, राम राम सा, पधारो सा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। राम राम सा।